वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स टू आवर एमबी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले 12th न्यू सिलेबस चैप्टर सेकंड मैट्राइसिस एक्सरसाइज 2.3। हमने पिछले लेक्चर में देखा था 2.2, उसका हमने पूरा सॉल्यूशन किया था। ओके, तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखने, आपको सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने आने चाहिए इसके पहले के। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। देखिए, हमें इस एक्सरसाइज में दो मेथड्स यूज़ करने हैं, एक है इन्वर्जन और एक रिडक्शन मेथड है। चलिए पहले हम बेस देख लेते हैं। यहाँ पे बेस में हमें क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस। हमने इसके पहले भी बहुत सारे मेथड्स देखे, बट यहाँ पे हमें 2.3 में ये अलग मेथड दिया गया, इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। चलिए इसे हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस में क्या दिया गया, हमें दो मेथड है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एंड यहाँ पे सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड। यहाँ पे हमें जैसे 9-10 में इक्वेशंस दिए जाते थे सॉल्यूशन करने के लिए, हम उसे क्रेमर्स रूल या ग्राफिकल मेथड रूल से करते थे। ओके, साइमल्टेनियस रूल्स, ये सब मेथड्स हम यूज़ करते थे। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, 12th स्टैंडर्ड में हमें यहाँ पे अलग मैट्रिक्स जो है हमारा मैट्राइसिस, उसके फॉर्म में हमें इनका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे इसमें हमें क्या, दो मेथड दिए गए, कौन कौन से, इन्वर्जन एंड रिडक्शन मेथड। यहाँ पे हमारे ये इक्वेशन है, तो इसे हमें इक्वेशन में हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा वो जो रहेगा वो क्या रहेगा कि इसको हम इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बॉक्स बनाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, देखिए 2 क्या है, कॉफिशियंट है किसका, x का, और यहाँ पे 4 y क्या है, 4 क्या है, कॉफिशियंट। ओके, तो यहाँ पे हमने 10th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। और यहाँ पे क्या है, 7, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पे ये सेकंड। यहाँ पे हमें क्या, दो इक्वेशन दिए गए। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, 2, 6, पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशियंट्स हैं इनको क्या करेंगे, मैट्रिक्स बॉक्स में लिखेंगे। ये हमारे क्या होंगे, इसमें एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 6 यहाँ पे हो जाएगा नीचे, एंड देन यहाँ का 4 यहाँ पे, एंड देन 8 यहाँ पे। ओके, तो हमारा क्या होगा, एक मैट्रिक्स बॉक्स रेडी होगा। एंड देन क्या है, यहाँ पे और एक होगा, ये क्या होगा, 3 by 1 2 by 1 का होगा। ओके, 2 by 1 यहाँ पे क्या है, ए एक्स एंड ए वाई, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एक्स एंड वाई, देखिए एक्स वाई, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस से हमारे ये इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पे इक्वल में क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स बॉक्स बनाएंगे यहाँ 3 by 2 by 1 का, एंड यहाँ पे 7 and 6। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले हमें पहले समझ लेते हैं हमने कैसे किया वापस एक बार। 2, 6 यहाँ पे, 2, 6 4, 8 यहाँ पे, 4, 8 एंड देन क्या करना है हमें दूसरा, ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ओके, एंड देन क्या है, एक्स और वाई, अगर यहाँ पे देखिए हमें 3 दिया जाता, 3 मतलब क्या, यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स दिए जाते, तो ये क्या होता है, यहाँ पे 3 by 3 का बनता। बट यहाँ पे 2 वेरिएबल तो कितने का बना है, 2 by 2 का बना। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल के लिए जो सेकंड रहेगा वो 3 by 1 का बनेगा, और यहाँ पे 3 by 3 का, और ये यहाँ पे 3 by 1 का। ओके, एंड यहाँ पे क्या हमने देखा अभी, इन्वर्जन मेथड। बट यहाँ पे दोनों रिडक्शन और इन्वर्जन का जो दोनों फर्स्ट है स्टेप, वो यहाँ पे यही रहेगा। ओके, और आगे जो स्टेप्स आएगा उनमें चेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, रिडक्शन मेथड में क्या होगा, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, इन दोनों में क्या करते हैं हम, यहाँ पे अपर में क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एलिमेंट को जीरो करते हैं जो पोजीशंस रहते हैं, और यहाँ पे क्या, जो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में इसको, यहाँ पे देखिए अगर क्या है, कोई भी नंबर हो 2, 3। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको एक इसमें रहता है लोअर में रहता है, और एक इसमें रहता है अपर में रहता है। हम यहाँ पे इन दोनों को जीरो करके आगे स्टेप्स हैं, हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें क्या देख लेंगे हम, रिडक्शन मेथड। ओके, तो सॉल्यूशन में हम इन दोनों के बारे में अच्छे से और देख लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देखा पहले एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस, एंड देन इसमें क्या है, दो इसके मेथड है सॉल्यूशन करने के, इन्वर्जन मेथड है, रिडक्शन। रिडक्शन हम क्या करते हैं एक्सरसाइज में देखेंगे। पहले हमारा ये जो क्वेश्चन, इस पर बेस्ड इन्वर्जन मेथड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, पहला इन्वर्जन दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशंस हमारा ये जो दिया गया है इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। हमने कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा था, देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 2 by 2 का ये दोनों यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशियंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, एंड नीचे यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे इसका वाई का कोफिशियंट क्या है 3 है। ओके, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे हम, इनका जो वेरिएबल्स है क्या है, एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई, एंड देन इक्वल में क्या है यहाँ पे 2 and 3, यहाँ पे क्या है 2 and 3। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, ओके, अब हम क्या करने वाले, देखिए ये जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स बॉक्स है, इसको क्या हम कंसिडर करने वाले, ए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ पे ये जो एक्स वाई किसको इक्वल रहेगा, मतलब हम इसे क्या कंसिडर करने वाले, एक्स, इसके साथ किस में फॉर्म में, मल्टीप्लाई के। ओके, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो यहाँ पे ये एक्स एंड देन इक्वल, और यहाँ पे क्या, ये जो मैट्रिक्स बॉक्स है इसको हम क्या करने वाले, कंसिडर बी। तो इसे देखिए हमारा क्या होने वाला है, फॉर्मूला बनने वाला है। ओके, यहाँ पे जो मेन स्टेज है आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इसका कैसे रहेगा, फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये फॉर्मूला हो गया, आपको इसको याद रखना है। ओके, यहाँ पे हमें नीचे लिखना है ए किसको बराबर है, ए वाले मैट्रिक बॉक्स को। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मैट्रिक बॉक्स लिखना है 1, 2, 2 and 3। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स है वो किसको इक्वल है, एक्स, यहाँ पे मैट्रिक बॉक्स, यहाँ पे देखिए हमें कॉमा लगाना है। ओके, एंड देन यहाँ पे ये एक्स एंड वाई, एंड देन क्या है यहाँ पे बी, बी किसके लिए हमने लिखा था, एस के लिए, तो हम बी लिखेंगे यहाँ पे बी, यहाँ पे कॉमा, एंड देन यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स बॉक्स। ओके, एंड देन एलिमेंट पुट कर देना। ओके, अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स और बी को पता करना है। ओके, तो यहाँ पे हम ए इनवर्स कैसे पता कर सकते हैं, दो मेथड है उसके लिए, हम कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट मेथड से करते हैं या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते। तो यहाँ पे हमारे पास बी कहाँ पे, हमने बी पता है, ए इनवर्स हमें फाइंड कर लेना। ओके, उनका मल्टीपल क्या होगा, हमें एक्स देगा। तो यहाँ पे नीचे करते हैं हम, यहाँ पे पहले क्या कर लेते, ए इनवर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट है कि नहीं वो देख लेते। पहले हम यहाँ पे ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है बॉक्स, हमारा मैट्रिक बॉक्स 1, 2, 2, 3। यहाँ पे देखिए ए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जैसे हमें पता चलेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यहाँ पे क्या 1 into 3 कितना होगा, 3 होगा, माइनस 2 into 2 कितना होगा, 4 होगा। तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा इसको सॉल्व करने का, -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयर फॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखना है हमें ऐसे सिंपल। अब यहाँ कंसीडर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसको फाइंड करना है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने वाला हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। आई देखिए हमने बहुत बार देखा, आई क्या होता है यहाँ पे देखिए, आई हमें यहाँ पे क्या होता है, जो इसका डायगोनल है 1 का होता है और यहाँ पे ये 0, 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ए हमें पता है, यहाँ पे देखिए ए वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ ए कितना है यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, यहाँ पे इनटू ए इनवर्स हमें क्या करना है, देन यहाँ पे आई, आई कितना हमारा पता है हमें आइडेंटिटी का, डायगोनल इसका 1 है तो और ये बाजू का 0, 0। ओके, यहाँ पे अपर लोअर ट्रायंगल दोनों मैट्रिक्स क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। एंड देन क्या करना है हमें यहाँ पे, इसको किस में करना है, आई में करना है, आई में कर लेंगे हम तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। ओके, आगे देखेंगे कैसे होगा ये। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको
इसको ऐसा करने के लिए, इसको हमें ऐसा करने के लिए पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। चेंजेस किस में करना है, इसमें तो आर टू क्या करेंगे, इसको हम आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस, यहाँ पे इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे टू इंटू आर वन में क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लीकेशन। देखिए हमें चेंजेस इसमें करना है, आर टू में करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो आर वन है उसको नीचे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं चेंजेस हमारा जो है वो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं हमारा यहाँ पे रेस टू माइनस वन, यहाँ पे क्या वन टू वन ज़ीरो, यानी यहाँ पे देखिए ये क्या होगा टू आर टू, आर टू हमारा कितना है टू है। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या होगा हमारा रफ वर्क होगा, यहाँ पे क्या आर टू का टू माइनस टू इंटू आर वन माइनस टू इंटू इंटू आर वन कितना है वन है। ओके, तो इन क्या होगा यहाँ पे टू वन सा टू, यहाँ पे दोनों का माइनस तो ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या आर टू यहाँ पे कितना है थ्री है, माइनस टू इंटू आर वन, टू इंटू आर वन कितना है, आर वन कितना है यहाँ पे टू दिया गया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा टू टू सा फोर, और यहाँ पे थ्री, तो इसका क्या होगा माइनस करेंगे इतना माइनस वन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस वन सिंपल, और सेम चेंजेस हमें यहाँ पे इस आर टू में भी करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया पहले आर टू यहाँ पे कितना है ज़ीरो माइनस, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हमने क्या लॉजिकली इसको मेड किया यहाँ पे इसको ज़ीरो करने के लिए, वैसे आप इसको वैल्यू पुट करते जाइए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। यहाँ पे क्या है टू है, सबको प्रॉपरली वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे क्या आर वन में क्या है इतना वन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ज़ीरो माइनस टू, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा माइनस टू। ओके, यहाँ पे कितना लिख देंगे माइनस टू, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें माइनस टू, एंड देन यहाँ का देखिए क्या है आर टू, आर टू कितना है यहाँ पे वन है, माइनस टू आर वन माइनस, देखिए यहाँ पे आर वन कितना है ज़ीरो है। ओके, ज़ीरो है यहाँ पे ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या होगा टू इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो होगा, वन माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमको वन ही मिलेगा सिंपल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वन। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए पहले देखिए हमने क्या करना था यहाँ पे ज़ीरो करना, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसा चेंज कर लिया, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट हो गया, एंड देन यहाँ पे क्या करना है कॉलम सेकंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसी वन को यूज़ करके, जैसे हमने यहाँ पे इस वन को यूज़ करके इसको ज़ीरो किया वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पे माइनस वन को क्या कर देंगे पहले वन, तो यहाँ पे देखिए इसको वन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे आर टू मतलब रो टू में क्या करना होगा माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा हमारा ये जो माइनस एक इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या चेंजेस किस में करना है, आर टू में करना है, तो आर टू चेंजेस टू आर टू किस से करना है, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हमने माइनस वन, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन में पूरे इस आर टू में रो में क्या करेंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ का ये माइनस भी प्लस में हो जाएगा, और ए का प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पे आर वन लिख लेते हैं एज इट इज़, वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं सिंपल, यहाँ पे क्या ये वन ज़ीरो आर वन का, और यहाँ पे क्या ज़ीरो से माइनस वन क्या ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आता है। ओके, एंड देन क्या यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे माइनस वन माइनस टू से करेंगे तो टू ही आएगा। ओके, माइनस टू से तो टू आएगा सिंपल, और यहाँ पे माइनस वन इंटू वन करेंगे कितना होगा माइनस वन हो जाएगा। ओके, साइन विल चेंज। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आर टू में कितने चेंजेस कर दिया हमने, आर टू में कर दिया, अब किसको करना है हमें यहाँ पे इसको ज़ीरो करना है, जिससे ये क्या होगा आइडेंटिटी बन जाएगा। ओके, यहाँ पे इस एलिमेंट में चेंज करना है हमें, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर वन में करना है तो आर वन चेंजेस टू क्या आर वन माइनस टू इंटू आर टू। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें आर वन में चेंजेस करना है, तो आर टू क्या करते हैं पहले एज इट इज़ लिख लेते। ओके, यहाँ पे ये
यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 2 - 1, तो यहाँ पे चलिए चेंजेस कर लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे देखिए इससे हमें ऑल इजी हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या है R1 - 2R2, पहले क्या है यहाँ पे R1 में 1 माइनस कितना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 0 है। ओके यहाँ पे कैसे होगा 2 × 0 करेंगे तो कितना 0 ही होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा तो भी 1 ही मिलेगा। एंड देन यहाँ पे क्या है ये R1 कितना है 2 है, माइनस यहाँ पे कितना है 2 × 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, सिंपल। एंड देन क्या यहाँ पे करेंगे चेंजेस किसमें करना है यहाँ पे इसमें। ओके यहाँ पे हमने लिख दिया था बट यहाँ पे चेंजेस करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे R1 कितना 1 - 2, R2 कितना दिया गया यहाँ पे नीचे 2 दिया गया। ओके तो यहाँ पे ये 2 - 2 = 4, 1 - तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें -3 मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे -3, सिंपल। एंड देन क्या करना है यहाँ पे देखिए 0 है, R1 कितना है 0। ओके यहाँ पे 0 - 2, R2 कितना है -1, तो यहाँ पे देखिए -- कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा +2, 0 कितना होगा 2। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2। ओके सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या करना था अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया कि नहीं होगा। यहाँ पे हमें इसको ऐसा करना था 1001 1001, यहाँ पे इसका क्या डायगोनल क्या है 1 है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट में कैसे लिखेंगे इनवर्स में जो मिल गया। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है ये क्या हो गया आइडेंटिटी विच इज़ इक्वल्स टू आई। ओके तो यहाँ पे क्या है ये आई लिखेंगे यहाँ पे I × A इनवर्स, और यहाँ पे ये कितना है इसे हम एज इट इज़ यहाँ पे -3 - 2 एंड देन -1, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आई को निकाल सकते हैं। ओके यहाँ पे कैसे लिखेंगे A इनवर्स इक्वल्स टू हमें अब क्या मिल गया यहाँ पे ये A इनवर्स मिल गया। ओके यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या करना है A इनवर्स मिल गया। हमारा क्या फॉर्मूला क्या था देखिए X = A इनवर्स B। ओके अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे नाउ, तो हमें क्या फाइंड करना था A इनवर्स जो कि हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखते पहले। ओके एंड देन क्या करेंगे हम वैल्यूज पुट करेंगे X = A·−1 A इनवर्स एंड देन यहाँ पे B। ओके तो यहाँ पे देखिए A इनवर्स कितना है, A इनवर्स हमने अभी फाइंड किया यहाँ पे जस्ट, यहाँ पे कितना होगा -3 2 देन 2 - 1 हो जाएगा। और यहाँ पे A इनवर्स एंड देन B कितना है, B देखिए यहाँ पे कितना था B 2 3। ओके यहाँ पे कितना लगेंगे 2 एंड देन 3, तो इनका क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए पहले 2 × 2 है। ओके 2 by 2 का है ना, ये 2 by 2 का, और ये क्या है 2 by 1, सिंपल। यहाँ पे ये 2 by 1, तो यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई किसका होगा ये। ओके यहाँ पे 2 2, इन दोनों का नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा -3 देन 2, यहाँ पे पहले क्या करते हैं बॉक्स बनाते मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे ये सिंपल ऐसा बनाना है आप -3 और 2, -3 × 2 - 6 हो जाएगा। ओके यानी यहाँ पे क्या 2 यहाँ पे 3 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे देखिए 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे -1 × 3 करेंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे नीचे क्या करेंगे X = क्या होगा -6 + 6 क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0। ओके यहाँ पे क्या 4 - 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमने क्या किया था एक्स को कितना बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था X = X/Y, तो ये किसको इक्वल होगा यहाँ पे देखना आपको X/Y = सिंपल हमें यहाँ पे X कितना मिला इसके इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल है
और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब ये इस एक्स वन वाई के इक्वल है। ओके, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मिल गया एंड वाई इक्वल्स टू वन मिल गया। ये हमने कौन से वे से किया, मैट्रिक्स वे से। ओके, यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था, इन्वर्जन मेथड में, जिसमें हमने क्या किया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला मेन है आपको ये याद रखना है, सिंपल। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख लेते हैं, नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन इज़ क्या, एक्स कॉमा वाई, जैसे हम यहाँ पे लास्ट में 10th स्टैंडर्ड में लिखते थे, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है सेम। यहाँ पे क्या है, एक्स कितना है ज़ीरो एंड वाई कितना है वन। ओके, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब थर्ड वाला करेंगे। देखिए जो फर्स्ट वाला था ना वैसा ही सेकंड वाला भी है। ओके, तो ये थर्ड वाला थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में नहीं है, बट क्यों नहीं है उसे हमें देखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले थर्ड वाले को लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, हमें जो गिवन इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, यहाँ पे क्या, पहला यहाँ से यहाँ पहला इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 2x। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स बॉक्स में कैसे पुट करते, ओके वो हम करेंगे यहाँ पे, सिंपल। यहाँ पे 5, अब इसे मैट्रिक्स बॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए दो वेरिएबल है x एंड y, तो क्या करेंगे हम 2x2 का मैट्रिक्स एलिमेंट फिल करने के लिए बना लेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है एंड देन यहाँ पे 6 इसका कोफिशियंट y का, एंड यहाँ पे इसका कोफिशियंट y का क्या 3। ओके, नीचे एंड देन क्या करेंगे, यहाँ पे x एंड y के लिए लिखेंगे, ये क्या होगा इसके मल्टीपल में होगा, x एंड y। चल इक्वल क्या है, यहाँ पे 8 एंड 5 है, यहाँ पे क्या इक्वल में लिख देंगे 8 एंड 5। ये हमने क्या कर दिया, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो हमने क्या देखा था पहले, इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या मानते हैं ए, एंड देन इसे क्या इक्वल्स किसके करते हैं, एक्स के। ओके, एंड देन ये इसे रहेगा, ये बी रहेगा। ओके, यहाँ पे ये इक्वल का साइन और ये बी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए इक्वल इसको, एक्स इक्वल इसको एंड बी इक्वल इसको लिखेंगे ऐसा इक्वल में। ओके, तो यहाँ पे लिखिए ए इक्वल्स टू, सिंपल, यहाँ पे 2, 6, 1, 3 एंड देन क्या, यहाँ पे एक्स, एक्स किसको, यहाँ पे एक्स वाई। ओके, यहाँ पे क्या एक्स एंड वाई, एंड देन इसके बाद क्या, यहाँ पे, यहाँ पे ये बी। ओके, यहाँ पे ये बी एंड देन यहाँ पे ये इसका, सिंपल, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 एंड 5। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना रहता है, a इनवर्स। तो पहले हम क्या देखेंगे, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करता तो आगे का सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे डिटरमिनेंट a, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या सीधा लाइन रहेगा, यहाँ पे हमें इसकी तरह से नहीं बनाना, आपको डिटरमिनेंट में आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको इस पर मार्क्स जो है कट सकते हो। ओके, हमने क्या किया था, ऐसे ऐसे बनाया था, बट यहाँ पे हमको क्या लगना है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे इसे बनाना है। तो यहाँ पे चलिए वैल्यूज लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2, 6, 1, 3, ए कितना है 2, 6, 1, 3। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं कैसे, यहाँ पे इसको और इसको क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करके किसका होगा, 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और देन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 × 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये क्या प्लस में और ये क्या है माइनस, तो प्लस 6 − 6 कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, किसको इक्वल है, 0 किसको इक्वल है, 0 को इक्वल है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो ए इनवर्स है, यहाँ पे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए
यहाँ पे ए इन्वर्स क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये जीरो इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे अगर माइनस वन या फिर प्लस में आते हैं नंबर्स, तो वो क्या होता, हम यहाँ पे ए इन्वर्स मान के चल सकते हैं कि ए इन्वर्स है। बट यहाँ पे क्या, जीरो को अगर आता है, ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है हमारा, जो डिटर्मिनेंट ए है वो कितना आ गया, जीरो आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा था, हम यहाँ लिखते नीचे ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देयर फॉर यहाँ पे ए डज नॉट, यहाँ पे देखिए हमने डज लिखा था, यहाँ पे नॉट लिखना बोलो, यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट, यहाँ पे हमने लिखा नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर फॉर दिस, देखिए अगर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नहीं है, मतलब यह ज़ीरो आ रहा है, सिंपल। आपको याद रखना है बात, जब भी इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, मतलब कि आगे का जो सॉल्यूशन है वो नहीं कर सकते, सिंपल। जो उसका आगे का सॉल्यूशन है वो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, देखिए दिस इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशन आर नॉट, ओके, आर नॉट सॉल्यूएबल। क्या है, सॉल्यूएबल नहीं है, इसे सॉल्व हम नहीं कर सकते। कौन से मेथड से, यहाँ से हम कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के आगे लिखेंगे क्या है, बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वर्जन मेथड। तो हम क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकते इन्वर्जन मेथड से, अदरवाइज अगर और कोई मेथड रहता तो उससे जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाता, बट यहाँ पे हम इससे नहीं कर सकते इन्वर्जन मेथड से। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ए, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने इसको आगे क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, क्योंकि ए इन्वर्स है जो वो एग्जिट नहीं करता, इसलिए हमने इसे सॉल्व नहीं कर पाया। कौन सा मेथड है, इन्वर्जन मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। देखिए हम दो मेथड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या, इन्वर्जन हो गया। ओके, अब हमें कौन सा दिया गया है, रिडक्शन मेथड दिया गया। इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, देखिए हमने क्या अभी इसमें देखा था, अभी यहाँ पे किसी अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पे एक किसी को भी ज़ीरो में हम कन्वर्ट, किसी एक को ही करना है, एक को ही ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम सॉल्यूशन करते जाएंगे ना तो हमारा सब क्लियर होता जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है बस, गिवेन इक्वेशन इज, तो हमारा गिवेन इक्वेशन ये फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। एंड देन क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा 2x2 या 2x3 का, यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल x एंड y। ओके, यहाँ पे क्या है 2x2 का, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 का कोफिशियंट, तो क्या होगा y का, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 3x का कोफिशियंट 3 एंड 5। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या होगा x y किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे इसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई के। ओके, x एंड y इक्वल्स टू किसको इक्वल रहेगा, 5 एंड माइनस 3 को, 5 माइनस 3। ओके, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसी एक को क्या करना है, ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ओके, हम इसे ज़ीरो कर सकते हैं या फिर इसे, और जो हमारा आंसर है वो क्या आने वाला, एक ही आएगा। ओके, चलिए हम किसको ज़ीरो करते हैं, यहाँ पे चलिए 3 को ज़ीरो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ लॉजिकल थिंकिंग आपको यूज़ करनी है, बिना लॉजिकल के या फिर इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ पे कोई ज़ीरो ही उससे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉजिकल थिंकिंग करना है। तो यहाँ पे चलिए इसे चेंज, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ज़ीरो करना है, तो चेंजेस हमें किस में करना है, यहाँ पे रो 2 में करना है। ये कौन सा रो हमारा, ये रो 2 है, और यहाँ पे ये रो 1 है। ओके,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो टू चेंजेस आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए रो टू, यहाँ पे रो टू चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे रो टू क्या करेंगे माइनस। देखिए आपको यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग करके क्या करना है कि यहाँ पे क्या आ जाए, थ्री की जगह ज़ीरो आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर देखिए यहाँ पे क्या रहता है वन, टू की जगह क्या रहता है वन, और वन से क्या करते हैं हम यहाँ पे रो वन में थ्री का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। ओके, जैसा हम हर बार करते हैं, कोई और नंबर अगर यहाँ पे वन रहता है, कोई और नंबर यहाँ पे ज़ीरो हम कर लेते हैं इजीली, बट यहाँ पे टू है तो टू को हम क्या करते हैं यहाँ पे टू से डिवाइड कर देते हैं कैसे देखिए, और थ्री को थ्री से माइनस। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ऊपर जब थ्री को थ्री से माइनस होगा और क्या होगा, टू टू से अगर डिवाइड हो जाए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये ऊपर है मल्टीप्लाई में जाएगा थ्री टू के साथ, और जो ये टू है इसके साथ डिवाइड में, मतलब ये कट जाएगा यहाँ टू टू कट जाएगा, जिससे क्या होगा ये थ्री। देखिए हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है ये थ्री और टू, यहाँ पे क्या रहेगा पहले लिख देते हैं आर वन सिंपल, यहाँ पे क्या रहेगा रो फर्स्ट रहेगा कैसे देखिए, आर टू कितना यहाँ पे थ्री है माइनस कर रहे हैं। ओके, और आर वन कितना है टू, तो यहाँ पे क्या होगा इसके साथ क्या होगा मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ से ये टू और यहाँ से ये टू क्या होगा कट जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये थ्री और ये थ्री क्या होगा माइनस होगा, तो हमें कितना मिलेगा ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लॉजिकल थिंकिंग करके ज़ीरो लाना है। आप चाहे तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी ज़ीरो ला सकते थे। तो चलिए यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं, हमारा एक जो है पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे चेंजेस किस में किया था, आर टू, तो आर टू को हम पहले क्या करते हैं आर वन लिख लेते हैं एज इट इज़, बिकॉज हम यहाँ पे कोई चेंजेस इसमें नहीं कर रहे। ओके, यहाँ पे फाइव, तो यहाँ पे ये क्या हमें मिल गया ज़ीरो मिल गया सिंपल। तो यहाँ पे ऐसे चलिए फाइव को रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या आता है। आर टू कितना है फाइव है माइनस थ्री अपॉन टू, आर वन कितना है वन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा जब थ्री को वन से मल्टीप्लाई तो हमारा पता है थ्री आने वाला। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या होगा ये देखिए, यहाँ पे ऐसे थ्री अपॉन टू है ये। ओके, तो यहाँ पे ये जो टू इसके साथ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन, तो यहाँ पे ये टू इसके साथ जाएगा, वन इसके साथ जाएगा, वो एज इट इज़ हो जाएगा, माइनस थ्री उतना ही रहेगा, और यहाँ पे ये क्या फाइव टू था टेन हो जाएगा। ओके, तो टेन अपॉन यहाँ पे टेन माइनस थ्री अपॉन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन माइनस थ्री कितना सेवन, और नीचे ये टू। ओके, तो यहाँ पे सेवन अपॉन टू मिल गया, तो यहाँ पे लिख लेते चलिए सेवन अपॉन टू। देखिए अपॉन में आ रहा है तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ओके, यहाँ पे आपको जो भी आएगा आपको सिंपली लिखना है, बट सॉल्यूशन आपको करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना है। एंड देन यहाँ ये देखते हैं यहाँ पे देखिए आर टू कितना है माइनस थ्री है, एंड देन क्या है माइनस थ्री अपॉन टू, आर वन कितना है यहाँ पे फाइव है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए थ्री इंटू फाइव कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा, और यहाँ का माइनस थ्री और ये माइनस, यहाँ का माइनस और ये माइनस थ्री, और क्या होगा यहाँ पे नीचे इसके टू सिंपल। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पे, वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री इंटू माइनस थ्री करेंगे, सॉरी टू इंटू माइनस थ्री तो माइनस सिक्स, और यहाँ पे माइनस फिफ्टीन का एज इट इज़ बिकॉज ये वन से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे आई अब वन में टू, तो ये कितना हो जाएगा ये माइनस 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 सिक्सटीन माइनस सिक्स माइनस फिफ्टीन कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन, और यहाँ का ये टू। ओके, तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू मिल गया। ओके, हमने यहाँ पे क्या लिखा माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू। ओके, यहाँ पे हमारा कितने का ये टू बाई टू का, और यहाँ पे टू बाई वन का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो लाने के बाद ही आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का काम है वो कर सकते सिंपल। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या होगा टू इंटू एक्स करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, पहले क्या करते हैं मैट्रिक्स बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे टू इंटू एक्स करेंगे तो टू एक्स को मिल जाएगा, और यहाँ पे वन वाई तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ प्लस वाई लिखेंगे। ओके, वन हम शो नहीं करते, एंड देन क्या यहाँ पे देखिए ज़ीरो,
इनटू एक्स, देखिए ज़ीरो है ना किसी नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो, ओके तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नो इशू, सिंपल। एंड देन क्या है यहाँ पे, सेवन अपॉन टू, सेवन अपॉन टू क्या करेंगे वाई से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा सेवन अपॉन टू वाई हो जाएगा, ओके। एंड देन यहाँ पे इक्वल में लिखेंगे ए एज इट इज़, यहाँ पे आपको लिख लेना है, ओके माइनस 21 अपॉन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ साइड लिखेंगे और इन दोनों को बाहर निकालेंगे, ओके यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ओके। पहले अब हम इसको लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड देन यहाँ पे 7 अपॉन 2y इक्वल टू कितना है माइनस 21 अपॉन 5 2, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे जो y है अकेले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वहाँ पे हम भेजेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड देन क्या होगा हमें जो y का वैल्यू वो मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसे इक्वेशन फर्स्ट करते एंड देन इसे इक्वेशन सेकंड, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम टू, मतलब फ्रॉम इक्वेशन दिस, क्या होगा यहाँ पे y और यहाँ पे ये 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 21 अपॉन 2, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा ये देखिए, जब यहाँ पे आएगा ना ये जो 7 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो क्या होता है डिवाइड हो जाता है, ओके। ये क्या होता है 7 रहता तो यहाँ पे डिवाइड में चले जाता, और 2 क्या डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या होगा 7 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चले जाएगा, और 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चले जाएगा, ओके। तो यहाँ पे लिखते आइए 2 माइनस 21 अपॉन 2, एंड देन क्या यहाँ पे इनटू क्या 7 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा देखिए 2 हो जाएगा, एक है यहाँ पे चेंज होगा ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2, ओके एंड यहाँ पे ये 7, सिंपल है, ऊपर यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए इसके साथ डिवाइड में और इसके साथ डिवाइड में इन दोनों, तो क्या होगा यहाँ पे 7 3 से कितना होता है 21, तो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस 3 हो जाएगा, ओके 3 से जाएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एक कट हो जाएगा, ओके इन डिवाइडिंग में। एंड देन क्या होगा यहाँ पे हमें जो y की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, लिखते हैं यहाँ पे हमें कितना बचा है यहाँ पे माइनस 3 बन, ओके। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया है माइनस 3 मिल गया, किसका वैल्यू y का। देखिए यहाँ पे क्या हमारा जो 10 का अलजेब्रा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमने y फाइंड कर लिया, और सिंपली हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को पुट करेंगे y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, और जिससे क्या होगा हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या पुट लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, ओके। तो यहाँ पे चलिए इक्वेशन लिखे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एंड देन यहाँ पे 2x y की वैल्यू कितनी है माइनस 3 है, ओके इक्वल्स टू यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या होगा देखिए 2x यहाँ पे माइनस में, तो वहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, ओके माइनस 3 जाएगा वहाँ पे उस साइड, तो किस में हो जाएगा वो प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2x 5 प्लस कितना, 5 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 8, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 8, ये जो 2 है यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ x के साथ, यहाँ पे जाएगा डिवाइड कर देंगे इसको, ओके। तो हमें क्या होगा यहाँ पे इसके x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया, ओके। तो लास्ट में हम क्या करेंगे सॉल्यूशन ये ऐसे लिखेंगे एक्स कॉमा y का इक्वल कितना, x कितना में मिला 4 मिला, और y माइनस 3, ओके यहाँ पे 4 एंड माइनस 3, यहाँ पे क्या हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ऊपर पहले देख लीजिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पे पहले हमने गिवन इक्वेशन लिखा जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया गया था, एंड देन क्या किया उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, बाद में उसका अपर या लोअर क्या कर सकते हैं हम जीरो में कन्वर्ट करके नेक्स्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पे किया, ओके। आप ऐसा यहाँ पे हमने क्या किया लोअर अपर किया, तो यहाँ पे लोअर में भी करेंगे, दैट्स नो इशू, ओके। आंसर विल बी सेम कम, सिंपल।
एंड क्या करेंगे उसके बाद, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे एंड देन क्या दोनों का इक्वेशन यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लिख देंगे। ओके तो हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिली, 4 एंड -3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4 करने वाले, और जो यहाँ पे सब क्वेश्चन 2 और सब क्वेश्चन 3 है, ओके आपको इसे खुद से करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में कीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि पक्का सॉल्यूशन जो है दे सकूँ। ये तो दोनों पिछले वाले सम की तरह सिमिलर है। ओके यहाँ पे मैं हमें आपके लिए जो फोर्थ सब क्वेश्चन है वो कर देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते पहले गिवन इक्वेशन इज़ ओके। यहाँ पे क्या फर्स्ट हमारा ये 5x + 2y = कितना है, 4, और यहाँ पे नीचे 7x3y = कितना है, 5 है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट करना है। ओके तो यहाँ पे आइए लिखते हैं यहाँ पे इसे मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ पे क्या 5 2 5 2 7 3 ओके, और यहाँ पे इसके साथ है क्या वेरिएबल 2 है x y एंड देन इक्वल के बाद क्या यहाँ पे 4 and 5 है। ओके 4 and 5। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, हमें हमने पिछले बार क्या किया था, अपर ट्रांसफॉर्मेशन किया था। ओके अपर ट्रायंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन किया था, अब क्या करेंगे हम लोअर, यहाँ पे हम क्या करेंगे लोअर में किसको चेंज करेंगे, 0 में 2 को। ओके उस बार हमने यहाँ पे इसको 0 में कन्वर्ट किया था, अब हम क्या करते हैं इसको 0 में करते हैं। ओके आप चाहे किसको भी कर सकते हैं इन दोनों में से सिंपल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए, ओके तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते किस में चेंजेस करना है, R1 में R1 चेंजेस टू। देखिए कैसे करना है यहाँ पे हमें आपको अभी ध्यान से समझना पड़ेगा। हम क्या करेंगे अब इसको क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो नीचे 3 है ए भी कट जाए और यहाँ पे जो 2 है ए भी कट जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जो 2 है इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके और क्या 3 के लिए क्या 3 से माइनस कर देंगे। तो आपको ऐसे ही लॉजिकल करके यहाँ पे कोशिश करना है कि 0 आ जाए ओके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे देखिए किस में चेंजेस है हमारा, ये R1 में क्या कर देंगे माइनस किससे, R2 से। ओके चलिए क्या करते हैं यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले क्या R1 में करना है तो क्या करते हैं हम R2 है जो हमारा उसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं R2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं 7 3 y and 5। ओके तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं चेंजेस है जो करते हैं R1 में क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे पहले लिख लेते 3/2 R1 - R2। ओके तो चलिए 3/2 एज इट इज़ R1 कितना है, यहाँ पे देखिए पहले 5 है ओके, यहाँ पे क्या 5 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन माइनस किससे होगा, R2 कितना है यहाँ पे 7 है सिंपल। 3/5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 एंड देन यहाँ पे ये 2 माइनस 7 तो क्या होगा, यहाँ पे जो 2 वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1 ओके। यहाँ पे क्या होगा 14 हो जाएगा, तो क्या होगा 15 - 14/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, देखिए दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको 1/2 मिलेगा। ओके तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 सिंपल एंड देन क्या यहाँ पे चलिए चेंजेस करते क्या यहाँ पे 3/2 पहले से हटाते हैं, यहाँ पे 3/2 है एंड देन R1 कितना है, R1 यहाँ पे 2 क्या 2 से मल्टीपल में देन माइनस कितना है R2 कितना है 3 है ओके क्या होगा यहाँ से 2 और यहाँ पे ये 2 कट जाएगा ओके डिवाइड में तो और यहाँ पे ये 3 और ये माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 0 ओके हमें 0 चाहिए था, यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा ओके। यहाँ का एक्स का एक्स एज इट इज़ एंड देन यहाँ पे चलिए इसमें चेंजेस करते यहाँ पे देखिए क्या पहले 3/2 कितना R1 यहाँ पे कितना दिया गया है 4 दिया गया ओके एंड देन माइनस है R2 कितना यहाँ पे 5 है 4/3 था कितना हो जाएगा 12/2 एंड देन माइनस 5 ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए जो 2 है क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, 5 टू 10, तो यहाँ पे देखिए 12 माइनस 10 करेंगे, यहाँ पे अपॉन में 2 है। ओके, कितना होगा 12 माइनस 2, कितना होगा 2 होगा, और नीचे का 2 एज इट इज़ यहाँ पे 2 1 2, कितना कट के हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। ओके, यहाँ पे मिल गया हमें 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, इसको 0 करना था, हमने इसको 0 कर लिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसका और इसका, इन दोनों का। ओके, कैसे, यहाँ पे देखिए क्या 2/2 का है और एक है यहाँ पे 2/1 है। ओके, 2 रो है 1 कॉलम है, यहाँ पे क्या 2 रो है 2 कॉलम है। ओके, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा किसका, 2 और 2 का। ओके, 2 1 का नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 और 2 का। देखिए यहाँ पे क्या 1/2 का किससे होगा, x के साथ होगा। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स बॉक्स, एंड देन यहाँ पे क्या 1/2x। ओके, ऐसे यहाँ पे देखिए ये 0 कितना है, 0y, मतलब देखिए हमने क्या किया था, 0 किससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। ओके, हम यहाँ पे से स्किप करते हैं, नो इशू, सिंपल। एंड देन यहाँ पे क्या है, 7x हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये 3y हो जाएगा, किसको इक्वल है, यहाँ पे 1/5 को। ओके, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बॉक्स। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे लिखेंगे कंपेयरिंग विद, सिंपल कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, दो बोथ साइड, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को बाहर निकालेंगे, इक्वेशंस में करेंगे, लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखना है आपको ध्यान से। देखिए क्या 1/x है, 1/2x। ओके, 1/2x किसको इक्वल है, 1 को। ओके, तो हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। एंड देन क्या है इसके बाद, क्या 7x, एंड देन क्या है प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या प्लस है। ओके, उसके आगे का साइन यहाँ पे y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5, सिंपल। किसको इक्वल है, 5 को। तो यहाँ पे 5 पे कौन सा इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे नीचे हम फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से क्या है, यहाँ पे 1/2x इक्वल्स टू 1। देखिए 1/2 मतलब क्या है, यहाँ पे जो 2 है वहाँ पे जाएगा, कितना होगा, देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 1/2। ओके, देखिए ये 2 क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, कि अभी क्या है, यहाँ पे नीचे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई, और क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 1 6 7 मल्टीप्लाई को कितना आएगा, तो भी 2 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐट द एंड क्या होगा, जो 2 का वैल्यू, x का वैल्यू है, वो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो x वैल्यू है वो फाइंड कर लिया। एंड देन क्या, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2, देखिए पहले क्वेश्चन लिखते 7x + 3y = 5। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, x का वैल्यू फाइंड किया था, कितना है 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं। ओके, अब कितना 7 × 14 + 3y = 5, यहाँ से क्या होता है, हमारा अलजेब्रा 10 का स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंपली सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसे हम भेजते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में चले जाएगा, 3y = 5 - 14। अब 5 - 14 करेंगे, कितना होगा आंसर, -9 आएगा। ओके, एंड देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको जो 3 है यहाँ पे भेजेंगे, इसको डिवाइड करेगा। ओके, 3 यहाँ पे सिर्फ, चलिए यहाँ लिखते हैं हम, ये जब 3 यहाँ पे जाएगा, ओके, कितना है यहाँ पे y = -9/ कितना है ये 3। ओके, क्या होगा, ये 3 × 3 = 9 आता है, सिंपल। तो क्या y = -3 मिल जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे जो y के वैल्यू वो भी फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए आपको क्या करना है, आपके बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, यहाँ पे मैंने आपको सब साथ में लिखा है समझाने के लिए। ओके, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन इज क्या 2, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है -3, 2, -3। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 है, जो
वो फिनिश हुआ। ओके, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ओके, तो इन जो बचे हुए क्वेश्चन से इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इनकम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके, बेल आइकन भी ऑन रखिए, जिससे कि क्या हो, मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। और आप जो तब तक क्या कीजिए, ये जो मैंने आपको आज इतना पढ़ाया, इनका सब सॉल्यूशन हमने देखा, इनका प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछिए, ओके, मैं आपको कोशिश करूँगा कि जवाब दो, सिंपल। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।